नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अपनी मुख्य मांगों को लेकर सहकारी समितियों के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। ये कर्मचारी सरकार से सहकारी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, पेंशन, नियमितीकरण और अन्य योजनाओं का लाभ सरकारी कर्मचारी की तरह दिए जाने की मांग पर अड़े हैं। इसी के तहत बालाघाट में भी जिले भर के सहकारी कर्मचारियों ने हड़ताल के पांचवें दिन सोमवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नारेबाजी की। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी, हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके पूर्व में भी हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिस कारण मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। इस आंदोलन के प्रारंभ हो जाने से अब जिले भर की राशन दुकानें पूरी तरह बंद हैं। इससे गरीब उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों को खाद, बीज, कृषि ऋण, धान का ऑनलाइन पेमेंट और बचत बैंक से हितग्राही किसानों का पैसा भी विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। यदि यह हड़ताल जल्द समाप्त नहीं हुई तो किसानों के साथ साथ गरीब उपभोक्ता भी इससे काफी परेशान होंगे। गरीबों को राशन मिलने तक का संकट खड़ा हो जाएगा। Thank you.